रविवार को लॉकडाउन के बीच जिला पंचायत सदस्यों के चुनावों को लेकर नामांकन के अंतिम दिन तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन करने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा रहा, लेकिन इस सन्नाटे के बीच दो चार लोगों को साथ लेकर तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचते रहे। इसी बीच वार्ड नंबर 18 से भीम आर्मी समर्थित प्रत्याशी नौवन सिंह बघेल अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उन्होंने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वह वर्तमान सरकार के रवैये से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, बल्कि उसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार आती है तो वह शिक्षा विरोधी रोजगारों की समस्याएं एवं बिजली पानी एवं डीजल पेट्रोल की बढ़ती अप्रत्याशित कीमतों को लेकर अपना काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वह जनता के विश्वास से अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं और जनता ने जिस विश्वास से उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए सिंह बघेल नाम है मेरा और गोवर्धन वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ। अभी मैंने आवेदन किया है और मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ क्षेत्र की जनता से कि मैं आपके भरोसे पे खरा उतरूँगा और मुझे पूर्ण बहुमत से विजयी बना के भेजें। भीम आर्मी से मैंने पर्चा भरा है, आज़ाद पार्टी का समर्थन है और आप सभी के आशीर्वाद से मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। मैं मेरी सरदारी के लिए दिन रात एक कर दूँगा। आप सभी का सहानंद और आशीर्वाद भी मुझे चाहिए। देखिए चंद्रशेखर भाई साहब के बारे में बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जब एक मोबाइल का बटन खोलते हैं तो उनके बारे में सब पता लग जाता है और जो पार्टियां आज जो देख रहे हैं उन पार्टियों को किसान परेशान है। विद्युत का बिल इतना आ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कभी नोटबंदी कभी कोई बंदी कभी रात को फैसले होते हैं। हम धरातल पर उतर के फैसले करेंगे और जनता के मध्य में फैसले करेंगे।